हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साधना साइंस क्लब। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एनिमल किंगडम को, जिसको हम एनिमल डाइवर्सिटी के नाम से भी कह सकते हैं। तो देखिए, ये जो मतलब हमारे सिलेबस में दिया है वो दिया है एनिमल डाइवर्सिटी के नाम से। तो चाहे आप एनिमल डाइवर्सिटी बोलो या फिर एनिमल किंगडम बोलो, बात एक ही है। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा एनसीईआरटी 12th बेस्ड होगा जो भी हम डिस्कशन करेंगे। बाकी इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें, जैसे आप देखेंगे पोरीफेरा में मैं आपको, जैसे एनसीईआरटी में केवल कोइनोसाइट के बारे में दिया है, मैं आपको उसके कुछ और एक्स्ट्रा सेल जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब भी बताऊंगी। यानी थोड़ा थोड़ा सा हम ग्रेजुएशन लेवल भी टच करेंगे। तो अब देखिए, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका बेसिक जो है, मतलब किस बेस पे हमने एनिमल्स को डिवाइड किया, ये सारी चीज़ें बता दी थी। तो एक बार उसको जो है एनसीईआरटी से देख लेते हैं कि मतलब हमने जो जो पढ़ा है एनसीईआरटी में किस तरह से दिया हुआ है। तो देखो, ये है हमारा एनिमल किंगडम। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, जैसे देखो, जब मान लो ये वर्ल्ड बना होगा, जब ये दुनिया बनी होगी, तो बहुत तरह तरह के जीव यहाँ पे आए होंगे। तो ये जो मतलब इतने तरह के एनिमल्स हैं, जैसे आज भी हम देख सकते हैं अपने पास आसपास, मतलब एक छोटी सी चींटी से लेकर इतने बड़े विशालकाय जानवर, जैसे कि जिराफ हो गया, हाथी हो गया, ये सारे मतलब जानवर्स हैं हमारे पास में, एनिमल्स हैं। तो इन सबको कैसे डिवाइड करा गया, मतलब इन सबको अगर हमें इनकी स्टडी करनी होगी तो किस बेस पे इनका हम स्टडी करेंगे। ये तो है, ये है नहीं कि मतलब सबको एनिमल्स ही बोल सकते हैं। तो इस तरह से मतलब एक बेसिस बनाया गया कि हम एनिमल्स को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो इनका बेसिस क्या था, तो सबसे पहले यही है एनसीईआरटी में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि मतलब किस तरह से एनिमल्स को डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे देखो, इंस्पिट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल। तो और यहाँ पे बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दीज फीचर्स आर यूज एज अ बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है पिछले लेक्चर्स में कवर कर ली हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सेल के बेस पे, बॉडी सिमेट्री के बेस पे, नेचर ऑफ सीलोम, ये सब कुछ जो है डिस्कस कर लिया है। तो एक बार एनसीईआरटी से फटाफट देख लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको तीन भाग में कैटेगराइज करते हैं। एक तो उनमें या तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ये किस में होता है, ये होता है पोरीफेरा में। टीस्यू लेवल की बात करें तो ये होता है हमारा सीसीटी, यानी सीलेंट्रेटा टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये जो ऑर्गन लेवल है ये है हमारा प्लेटी हेलमिंस में। उसके बाद भी और हायर की बात करें, जैसे कि एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, तो इन सब में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम, क्या होता है ऑर्गन सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस करी थी। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा था, इसमें देखो थोड़ा मिक्स टाइप में दिया है, यहीं पे इन्होंने बात कर लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी जहाँ पे टू ओपनिंग है, माउथ और एनस है, तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। एक है ओपन टाइप, एक है क्लोज टाइप। ओपन और क्लोज टाइप का क्या है, सर्कुलेशन। तो मतलब इस तरह से कुछ मिक्स करके यहाँ पर डाइजेशन, सर्कुलेशन सब दे दिया है, बट मैंने आपको अच्छी तरह से पूरा अलग अलग करके बताया हुआ था। तो अब यहाँ पे देखो, अगर बात करें सिमेट्री की, तो सिमेट्री में भी हमने देखा था कुछ जो होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं, जैसे कि पोरीफेरन। रेडियल में भी हमने देखा था सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, यहाँ देखो सिलेंट्रेटा टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्म जो होते हैं इनमें रेडियल और बायलेटरल दोनों सिमेट्री होती है। तो लार्वल स्टेज में क्या होती है, एडल्ट स्टेज में क्या होती है, ये मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी और ये कभी भी आप नहीं भूलोगे, तो इसे हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे, ये जो मतलब एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, इस तरह के जो भी हैं अप टू कॉर्डेटा, इनमें क्या होता है बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये हो गया यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री भी हमने डिस्कस कर लिया है, एसिमेट्रिकल क्या है, रेडियल सिमेट्री क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए हैं हमने। फिर देखो यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मैंने आपको बताया था डिप्लोब्लास्टिक जिसमें दो ही लेयर हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनमें तीन लेयर हैं, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक जिनमें इक्टोडर्म, इंडोडर्म है, लेकिन जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है वहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा लेयर है जो कि है मीजोडर्म। क्या है, मीजोडर्म। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। फिर हमने यहाँ पे देखा था सीलोम के बारे में, तो मैंने आपको बताया था सीलोम में, अगर सीलोम नहीं है तो ए सीलोमेट, अगर सीलोम है बट पैचेज के रूप में है तो स्यूडो सीलोमेट,
और अगर सीलोम है पूरी तरह से ट्रू सीलोम है तो वो होता है सीलोमेट। तो यहाँ पे हमने साइजोसीलोम वगैरह भी जो है डिस्कस किया था, जो कि आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में नहीं है। तो मैंने आपको बताया है जो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, थोड़ा मतलब लेवल अप भी हम जाएंगे। तो ये हो गया हमारा सीलोम के बारे में। अब देखो सेगमेंटेशन ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे, अभी मैंने आपको नहीं बताया है, नोटोकार्ड भी नहीं बताया है। फिर यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया था, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल। फिर सिमेट्री में मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, रेडियल हो गया, बायलेटरल हो गया। बॉडी ऑफ कैविटी यानी कि सीलोम, ए सीलोमेट, और यहाँ पे विदाउट बॉडी कैविटी ए सीलोमेट, विथ फॉल्स सीलोम सीडो सीलोमेट, विथ ट्रू सीलोम सीलोमेट। और यहाँ पे इन सब का जो है क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया है, मतलब किसमें क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखो स्टार्ट होता है फाइलम। तो फाइलम में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, फाइलम पढ़ते हैं पोरीफेरा सबसे पहले। और देखो एनिमल किंगडम पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले आपने ये पढ़ लिया कि किस बेस पे हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है, मतलब उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले मतलब जब भी फीचर्स बनाए जाते हैं, जैसे मान लो आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब वो कुछ कुछ पॉइंट उठा लेंगे इसके जो मतलब बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के, उससे उठा लेंगे, और कुछ कुछ पॉइंट उठा लेंगे इसके फीचर्स से जो कि आपको फाइलम के अंतर्गत दिए गए हैं। तो फाइलम में भी आप वही सारी चीज़ें देखोगे सबसे पहले कि ये जो है देखो ये सिमेट्रिकल होते हैं, और ये इनमें क्या होता है, मतलब देखो जो हमने अभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा वो सभी फाइलम में रिपीट होते जाएंगे। तो हमने एक बार उसको कॉमनली पढ़ लिया, अब जब हम उसको अलग अलग से पढ़ेंगे तो वो आपको समझना ईजी हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे, तो एक तो हो गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है वो है सभी फाइलम के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस्ड बनाए जाते हैं, और इनमें जो है कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं सभी फाइलम के, वो चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने नोट्स से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है एनसीईआरटी पे आएंगे। तो यहाँ पे देखो एनिमल डाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, फिर यहाँ पे हमने हैबिटेट, हैबिट, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी कि एनसीईआरटी में किस तरह से दी हुई हैं। फिर हमने सिमेट्री की भी बात कर ली, एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में भी रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हो गई। जर्म लेयर में डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये भी हमने देख लिया कि मतलब जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर होती है मीजोडर्म, ये हो गया एक्टो इंडो दोनों में कॉमन है। फिर हमने सीलोम भी देख लिया, अब्सेंट है तो ए सीलोमेट, सीडो सीलोमेट और सीलोमेट। सीलोमेट में बात करें तो दो तरह के हैं, एक है हमारा साइजो सीलोम, एक है इंटेरोसिलोम। तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको भी पढ़ लिया है। फिर देखो डाइजेशन मतलब किस तरह से होता है, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर, एलिमेंट्री कैनाल कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट, कम्प्लीट। तो जितना एनसीईआरटी में है उससे एबव ही, मतलब उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा, उससे कम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कुछ। तो रेस्पिरेशन में भी हमने देखा था कि किसमें एनरोबिक, किसमें एरोबिक, ये सारी चीज़ें हैं, और हमने रेस्पिरेशन चैप्टर में भी इन सारी चीज़ों को पढ़ा है। फिर सर्कुलेशन में भी मैंने आपको बता दिया, पैरेन्काइमल टिश्यू के थ्रू, बॉडी कैविटी के थ्रू, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू किस तरह से सर्कुलेशन होते हैं। फिर हमने एक्सक्रीशन की भी बात कर ली, और एक्सक्रीशन चैप्टर में भी इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा है। रिप्रोडक्शन में जो कि आपको हर एक फाइलम के मतलब अंदर में दिखेगा, इनमें जो है ए सेक्सुअल है, इनमें सेक्सुअल है, इनमें एक्सटर्नल है, इंटरनल है, इस तरह की चीज़ें आपको बार बार मिलेंगी। तो अभी आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। फिर हमने डेवलपमेंट देखा था, डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वा अब्सेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वा प्रेजेंट है। एग में हमने देख लिया एल स्थल, माइक्रोल स्थल, मेजोल स्थल, मेगाल स्थल। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है फाइलम, अब हम फाइलम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, और अब आपको जो है फाइलम के अंदर में क्या देखने को मिलेगा कि जो फाइलम्स होते हैं इनके कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, सभी फाइलम के अपने कुछ फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स के बारे में हमको पढ़ना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक फाइलम को देखते जाते हैं।
तो सबसे पहले बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा की। इनका सीक्वेंस आपको याद होना जरूरी है। फाइलम पोरीफेरा, आप देखो पोरी पोरी यानी पोर, फेरा फेरा मीन्स क्या होता है बियरिंग, पोरी फेरा यानी पोर बियरिंग, यानी इनके बॉडी पे क्या होगा पोर्स होंगे, क्या होंगे पोर्स होंगे, छोटे छोटे से छिद्र होंगे, इस तरह से छोटे छोटे से क्या होंगे छिद्र होंगे। तो पोर बियरिंग एनिमल जो होते हैं वो होते हैं पोरीफेरन यानी पोरी फेरा। तो अब देखो इनमें जो पोर्स होते हैं इस तरह से छोटे छोटे पोर्स तो होते ही हैं, बट यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा सा ओपनिंग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं ऑस्कुलम, और ये जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं इनको बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं ऑस्टिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि ऑस्टिया किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आप देखेंगे पोरीफेरा का। ऑस्टिया ऑस्कुलम कहाँ पे प्रेजेंट है, पोरीफेरंस में प्रेजेंट है। तो अब देखो ऑस्टिया में क्या आ रहा है, आई क्या आ रहा है, जब आप ऐसे लिखोगे ऑस्टिया ऑस्टी आ, तो देखो आई, आई मीन्स क्या होता है इनवर्ड, आई मीन्स इनवर्ड इनवर्ड आई मीन्स इनवर्ड, यानी ऑस्टिया के थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू क्या होगा चीज़ें अंदर जाएंगी और ऑस्कुलम के थ्रू चीज़ें बाहर आएंगी, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आएंगी, ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाएंगी। तो ये जो है आप याद रखेंगे, यानी इनमें जो भी प्रोसेस होगा वो क्या होगा ऑस्टिया और ऑस्कुलम के थ्रू, ऑस्टिया से चीज़ें अंदर जाएंगी, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आएंगी। तो अब यहाँ पे देखो हैबिटेट की अगर बात करें तो हमने जो है पहले डिस्कस कर ही लिया है, तो अब ये सारी चीज़ें आपको आसानी से जल्दी जल्दी समझ आएंगी। तो जो पोरीफेरंस होते हैं इनका हैबिटेट क्या होता है, एक्वाटिक होता है। कैसा होता है एक्वाटिक होता है, और इसमें भी मोस्टली कैसे होते हैं मरीन होते हैं, कैसे होते हैं मरीन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मतलब पोरीफेरंस होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो जो पोरीफेरा हैं ये एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, सम फ्रेश वाटर होते हैं, मतलब कुछ जो है फ्रेश पानी में रहते हैं। तो देखो फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल याद रखना, हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है, क्या है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। तो देखो स्पॉन्जिला में एस पी, एस फॉर साफ, पी फॉर पानी, साफ पानी यानी फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल क्या हो गया स्पॉन्जिला, तो इसको जो है याद रखेंगे। अब देखो हैबिटेट की बात करें तो ये कैसे होते हैं सेसाइल होते हैं, कैसे होते हैं सेसाइल होते हैं, यानी जहाँ भी पोरीफेरंस होंगे इस तरह से वो मतलब एक सबस्ट्रेट पे इस तरह से चिपके हुए रहेंगे, यानी किसी चीज़ से चिपके हुए रहेंगे, उसे चिपक के रहेंगे, तो इसे हम बोलते हैं सेसाइल। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कैसा होता है इनमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री की बात करें तो एसिमेट्रिकल, सॉरी यहाँ पे एसिमेट्रिकल सिमेट्री होती है। तो अब देखो एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, अगर हम इनको यहाँ से कट करेंगे तो देखो दोनों पार्ट इक्वली डिवाइड नहीं हुए, दोनों पार्ट इक्वली डिवाइड नहीं हुए। अब चाहे आप उनको मतलब इनको इस तरह से कट करो फिर भी डिवाइड नहीं होंगे, इस तरह कट करो फिर भी नहीं होंगे, इस तरह कट करो फिर भी नहीं होंगे, यानी इनमें कोई सिमेट्री नहीं है। तो इनकी सिमेट्री कैसी हो गई एसिमेट्रिकल। अब बात करते हैं इनके जर्म लेयर की, किसकी बात करते हैं जर्म लेयर की। तो जर्म लेयर की बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया जो पोरीफेरंस होते हैं ये कैसे होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कैसे होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें टू जर्म लेयर होता है, एक होगा एक्टोडर्म एक होता इंडोडर्म, और हमने ये भी देखा था डिप्लोब्लास्टिक में कुछ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होते हैं जिसको हम बोल देते हैं मीजोगिलिया या फिर मीजेनकाइम, मीजोगिलिया या फिर मीजेनकाइम। अब देखो जो इंडोडर्म होता है और जो इक्टोडर्म होता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं सेल्स, यानी जैसे हमारा जो पोरीफेरा है इस तरह से मान लो एक पोरीफेरा है, तो इसका जो आउटर लेयर है यानी इक्टोडर्म, जो इनर लेयर है वो होगा इंडोडर्म। तो इस पर कुछ सेल्स लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं कुछ सेल्स लगे होते हैं। तो अब आपको याद ये रखना है कि इक्टोडर्म पे कौन से सेल होते हैं और इंडोडर्म पे कौन से सेल्स होते हैं। तो इक्टोडर्म पे होते हैं पोरोसाइट और पिनेकोसाइट, पोरोसाइट पिनेकोसाइट। इंडोडर्म पे होते हैं क्विनोसाइट जिसको हम बोलते हैं कॉलर सेल, क्या बोलते हैं कॉलर सेल। तो देखो कॉलर सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यह है कॉलर सेल का स्ट्रक्चर, तो इस तरह से यह है हमारा कॉलर सेल और यहाँ से निकले होते हैं फ्लैजिला, तो यह है हमारा कॉलर सेल का स्ट्रक्चर। तो याद रखना इक्टोडर्म पे यानी बाहर के साइड में क्या होंगे पोरोसाइट पिनेकोसाइट, और अंदर के साइड में जो होंगे वो होंगे हमारे क्विनोसाइट यानी कॉलर सेल। तो अब देखो इस तरह से हमने जो है देखा, ये है हमारा आउटर साइड और ये है इनर साइड, और इनके बीच में कुछ मतलब
फील्ड होते हैं, मटेरियल जिसको हम बोलते हैं मीजेनकाइम। क्या बोलते हैं? मीजेनकाइम। तो अब देखो ये है हमारा ऑस्कुलम वाला पार्ट, मैंने आपको पहले भी बता दिया। और ये जो मतलब यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये तो हो गया मेन गेट, मेन गेट है हमारा ऑस्कुलम। और यहाँ पे इसके बॉडी पे भी कुछ छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टिया। तो हमने क्या देखा? ऑस्कुलम देख लिया, ऑस्टिया देख लिया, फिर हमने देखा इनके इंटरनल और मतलब आउटर और इनर लेयर के बीच में कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मीजेनकाइम। तो देखो ये बाहर वाला साइड क्या हो गया? इक्टोडर्म। ये इनर वाला साइड क्या हो गया? इंडोडर्म। इक्टोडर्म, इंडोडर्म। तो अब देखो यहाँ पे आपको ये एक बार इसको, हाँ अब देखो ये आपको दिख रहा होगा छोटा सा और ये दिख रहा होगा, तो ये दोनों क्या है? आउटर लेयर पे प्रेजेंट हैं। एक बार ध्यान से देखो, जैसे ये देखो, ये जो है आउटर लेयर पे प्रेजेंट हैं। तो ये आउटर लेयर पे हैं। तो हमने आपको क्या बताया? जो इक्टोडर्म होता है यहाँ पे दो सेल्स होते हैं, कौन कौन से? पोरोसाइट और पिनेकोसाइट। क्या होते हैं? पोरोसाइट और पिनेकोसाइट। तो कॉलर सेल का स्ट्रक्चर अभी देखा था और इस तरह से होता है पिनेकोसाइट का स्ट्रक्चर। ये जो है पिनेकोसाइट सेल हैं जो कि इसके आउटर लेयर पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखो ये है हमारा क्विनोसाइट। क्या है? क्विनोसाइट। क्विनोसाइट क्या करते हैं? ये वाटर करंट में हेल्प करते हैं और ये फूड के कलेक्शन में भी हेल्प करते हैं। क्या क्या करते हैं? वाटर करंट। जैसे देखो ऑस्टिया के थ्रू क्या होगा? वाटर करंट क्या होगा? अंदर जाएगा। ऑस्टिया के थ्रू वाटर करंट अंदर जाएगा। तो इनमें मूव कौन करते हैं? देखो इनमें फ्लैजिला है। क्या है? इनमें फ्लैजिला है। तो ये जो वाटर करंट जो जेनरेट होगा, तो अब यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा पिनेकोसाइट। तो पोरोसाइट, पिनेकोसाइट, क्विनोसाइट, तीन टाइप के सेल होते हैं यहाँ पे। तो जो पोरोसाइट पिनेकोसाइट हैं वो इक्टोडर्म पे हैं, क्विनोसाइट इंडोडर्म पे हैं। और इनके बीच की जो कैविटी होती है, इक्टोडर्म इंडोडर्म डर्म तो देख लिया, लेकिन ये जो बीच की कैविटी होती है इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील। और ये देखो इनर साइड में ये हैं छोटे छोटे से क्विनोसाइट सेल, ये हैं क्विनोसाइट सेल। तो अब देखो जैसे वाटर के मतलब ऑस्टिया के थ्रू कोई भी मतलब वाटर या फूड कुछ भी अंदर आया, फिर वो जाएगा स्पॉन्जोसील में, फिर वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जो है चला जाएगा। अब देखो बात करते हैं मीजोगिलिया या फिर मीजेनकाइम। मीजोगिलिया या फिर मीजेनकाइम, तो ये जो मीजोगिलिया या मीजेनकाइम है यहाँ भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं अमीबोसाइट। क्या बोलते हैं? अमीबोसाइट, जिसका काम होता है फूड का स्टोरेज करना। क्या करना? फूड का स्टोरेज करना। तो देखो इक्टोडर्म पे क्या है? इक्टोडर्म पे पोरोसाइट पिनेकोसाइट, इंडोडर्म पे क्या है? इंडोडर्म पे क्विनोसाइट। अब देखो क्या होता है, जो मीजोगिलिया है यहाँ पे क्या है? अमीबोसाइट। क्या है? अमीबोसाइट। जो देखो जो हम पोरीफेरा डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इसके सेल्स से ही हैं, मतलब सेल्स हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो इनके सेल्स से आता है, मतलब कौन सा सेल यहाँ पे है, कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो देखो अमीबोसाइट कैसा होता है? इररेगुलर शेप होता है। अमीबा भी आप देख लो, अमीबा उसका भी कोई शेप फिक्स नहीं होता है। तो ठीक उसी तरह से अमीबोसाइट सेल जो होता है उसका भी कोई शेप नहीं होता है। तो यहाँ पे जो अमीबोसाइट हैं कौन कौन से सेल होते हैं? आर्कियोसाइट, ट्रोपोसाइट एंड स्पॉन्जियोब्लास्ट। क्या होता है? आर्कियोसाइट, ट्रोपोसाइट, ट्रोपोसाइट और स्पॉन्जियोब्लास्ट। जो आर्कियोसाइट है ये टोटीपोटेंट सेल होते हैं। टोटीपोटेंट मतलब क्या होता है? देखो टोटी यानी टोटल, पोटेंट यानी पोटेंशियल, कैन प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ सेल। ये जो है जैसे यहाँ पे इतने सारे सेल्स हैं, तो ये जो आर्कियोसाइट हैं ये किसी भी तरह के सेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। ट्रोपोसाइट की बात करें तो ये क्या करते हैं? प्रोवाइड फूड टू डेवलपिंग स्पॉन्जेज, यानी अगर कोई न्यू स्पॉन्ज बन रहा है तो उसको क्या करते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं, यानी ये नर्स सेल की तरह काम करते हैं, मतलब इनको हम नर्स सेल भी कह सकते हैं ट्रोपोसाइट को। स्पॉन्जियोब्लास्ट की बात करें तो ये क्या करते हैं? ये स्पीक्यूल फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? स्पीक्यूल फॉर्म करते हैं। स्पीक्यूल क्या होता है? इस तरह से मतलब थोड़ा कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है इनके मतलब बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं स्पीक्यूल। क्या बोलते हैं? स्पीक्यूल। तो देखो इस तरह से ये छोटे छोटे से स्पीक्यूल हैं जो कि कैल्शियम या फिर सिलिका के बने होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जियो ब्लास्ट। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जियो ब्लास्ट। तो यहाँ पे देखो ये हमारा डिस्कस हो गया
अब देखो बात करें पोरीफेरा में डाइजेशन की, तो डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर कैसा होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और डाइजेशन में यानी फूड को कलेक्ट करने में कौन कौन से सेल हेल्प करते हैं, ट्रोफोसाइट एंड कोइनोसाइट। फिर देखो रेस्पिरेशन होता है एरोबिक, जो कि डिफ्यूजन के थ्रू होता है। सर्कुलेशन की बात करें तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, सर्कुलेशन होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू। यानी ओस्टिया सबसे पहले कोई भी मतलब चीज़ें हैं वो ओस्टिया में आएंगी, फिर स्पॉन्जोसील में, फिर ओस्कुलम के थ्रू आउटसाइड चली जाएंगी। यानी इस तरह से इसका सर्कुलेशन होता है। एक्सक्रीशन कैसा होता है, अमोनोटेलिक होता है। अमोनोटेलिक क्यों होता है, क्योंकि ये एक्वाटिक होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया बनता है इनमें। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है ना, क्योंकि आपने एक्सक्रीशन चैप्टर जो है कर लिया है। फिर देखो नर्वस सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे अब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये भी कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे यहाँ पे देखो ये पानी में है और ये है हमारा कोई स्पंज, तो यहाँ से जो है इस तरह से स्पर्म आएगा और इसको फर्टिलाइज करेगा, मतलब जो भी होगा फर्टिलाइजिंग एजेंट वो। तो देखो जो फर्टिलाइजेशन है कैसा कैसा हो सकता है, एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में मतलब कैसे होता है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या फिर बर्डिंग के थ्रू। बर्डिंग यानी यहाँ पे जो बर्ड बनता है वो कैसा बनता है, इंटरनल बर्डिंग। कैसा होता है, इंटरनल बर्डिंग। तो फ्रेगमेंटेशन आपको पता है, हमने जैसे हम देखते हैं मोस्टली ईस्ट हाइड्रा में, ये हाइड्रा है, यहाँ पे कुछ बर्ड बन जाते हैं, ये बर्ड टूट के निकल जाते हैं और इसी से दोबारा से मतलब यहाँ पे क्या बन जाता है, हाइड्रा। लेकिन यहाँ पे जो है क्या होता है, इंटरनल बर्डिंग। कैसा होता है, इंटरनल बर्डिंग, यानी अंदर में जो है बर्डिंग होती है यहाँ पे। तो देखो ये जो मतलब देखो ये है हमारा पोरीफेरा, क्या है, पोरीफेरा। तो अंदर में इस तरह से लगे हुए हैं क्या, इंटरनल बर्ड, क्या लगे हुए हैं, इंटरनल बर्ड। तो ये यहाँ से डिटैच हो जाते हैं, तो ये जो है इनका मतलब जूम करके हमने स्ट्रक्चर देखा है, तो ये क्या होंगे, मतलब इस तरह से यहाँ पे न्यू स्पॉन्ज फॉर्म होंगे। तो ये जो जिम्यूल मतलब ये जो एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पे बना, इसको हम बोलते हैं जिम्यूल। क्या बोलते हैं, जिम्यूल। यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे वो प्रेजेंट होता है स्पिक्यूल्स यानी कांटेनुमा स्ट्रक्चर, और ये होता है आर्कियोसाइट। क्या होता है, आर्कियोसाइट, जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और ये है माइक्रोपाइल, क्या है, माइक्रोपाइल। अब देखो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो कैसा होता है, इनडायरेक्ट। कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, यानी यहाँ पे लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट होता है पोरीफेरा में। पोरीफेरा में लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट होता है। तो इनके इनमें कौन कौन सा लार्वा होता है, एक होता है पैरेन्काइमुला, एक होता है एम्फी ब्लास्टुला। क्या होता है, पैरेन्काइमुला एम्फी ब्लास्टुला। तो अब देखो इनका जो एग्जाम्पल है वो याद रखना, क्या होता है, लेस। क्या होता है, लेस, एल ई एस एस, एल फॉर ल्यूकोसोलेनिया, ई फॉर यूप्लेक्टेला, ई फॉर यूस्पॉन्जिया, एस फॉर स्पॉन्जिला एंड एस फॉर साइकोन। तो हमने ये देखा जो स्पॉन्जिला होता है ये कैसा होता है, ये फ्रेश वाटर में रहता है। कहाँ पे रहता है, ये फ्रेश वाटर में रहता है, तो इसको आप जो है याद रखेंगे। अब देखो तो यहाँ पे हमारा पोरीफेरा ख़त्म होता है, जहाँ पे कुछ भी आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे कौन कौन से सेल्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, उनका पोजीशन क्या होता है, और एक जिम्यूल याद रख लेना। और यहाँ पे मतलब जो जनरल पॉइंट हैं जो वो हमने जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ ही लिया है। तो अगर एक बार जो है आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन याद हो जाता अच्छे से, तो हर फाइलम में वो आपको दोबारा से याद करना ही नहीं पड़ेगा, यानी वो जो है एक्स्ट्रा पॉइंट होगा आपके लिए। तो अब देखो बात करते हैं सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया की, सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया की। तो सीलेंट्रेटा, तो यहाँ पे देखो सील यानी शीलोम, इंट्रेटा यानी इंट्रॉन यानी जी आई टी कैविटी। भले ही इनके नाम से ऐसा लग रहा है सीलोम इंट्रॉन, लेकिन इनमें ना कोई सीलोम होता है ना ही यहाँ पे जी आई टी कैविटी होती है, क्योंकि हमने देखा था ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। चाहे पोरीफेरा हो सीलेंटेटा हो, तीनों पूरा है, ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यहाँ पे किसी तरह का कोई सीलोम नहीं होता है ना ही कोई इंट्रॉन होता है, तो ये जो है आप नहीं याद रखेंगे।
अब देखो इनका एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं निडेरिया। सीलेंटेटा को ही क्या बोलते हैं? निडेरिया। निडेरिया यानी यहाँ पे क्या होता है? नीडोब्लास्ट। क्या होता है? नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिखाया था कि यहाँ से क्वेश्चन जो है केबीएस में पूछा गया था, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, या फिर ये था कि नीडोसाइट का फंक्शन क्या है, इस तरह से क्वेश्चन था वहाँ पे। तो याद रखना सीलेंटेटा को ही निडेरिया बोलते हैं। निडेरिया इसी के नाम पे यहाँ, मतलब क्योंकि इसमें नीडोसाइट या फिर नीडोब्लास्ट सेल होता है, तो इस तरह से इनका नाम निडेरिया रखा गया है। तो ये कैसे सेल होते हैं? स्टिंगिंग सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं? स्टिंगिंग सेल होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो सीलेंटेट होते हैं यहाँ पे ब्लाइंड सैक होता है, यानी इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वाटिक होते हैं। फ्रेश वाटर में एग्जाम्पल होता है हाइड्रा, और क्या होते हैं? मरीन होते हैं। यानी हमने देखा जो पोरीफेरा है वो भी फ्रेश वाटर और मरीन होते हैं, जो सीलेंटेटा है ये भी फ्रेश वाटर मरीन होते हैं। पोरीफेरा में फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, और सीलेंटेटा में फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो अब यहाँ पे देखो हैबिट की बात करें तो ये कैसे होते हैं? सोलिट्री भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं। सोलिट्री का एग्जाम्पल है हाइड्रा। सेसाइल भी होते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं। सेसाइल का भी एग्जाम्पल है हाइड्रा। सेसाइल मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ के थ्रू अपने जगह पे फिक्स होना, अपने जगह पे फिक्स रहना, मूव ना करना। और कुछ क्या होते हैं? मूव करते रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। जर्म लेयर की बात करें तो ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यहाँ भी इक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है। फिर देखो इक्टोडर्म, जो इनका इक्टोडर्म होता है यहाँ पे कौन कौन से सेल होते हैं? नीडोब्लास्ट होता है, इंटरस्टीशियल सेल होते हैं, और नर्व सेल होते हैं। जो इंटरस्टीशियल सेल है ये कैसा होता है? टोटिपोटेंट। हमने क्या देखा था? जो कोई भी सेल प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ये है हमारे सामने हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। तो यहाँ पे कुछ टेंटेकल निकले रहते हैं। क्या निकले रहते हैं? टेंटेकल। इस तरह से टेंटेकल यहाँ पे निकले रहते हैं। तो इन्हीं पे होता है हमारा नीडोब्लास्ट। क्या होता है? नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट सेल, जैसे अगर आप यहाँ से एक जो है एक टेंटेकल को काट के देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये इनके एंड पे इस तरह से क्या दिख रहे हैं? नीडोब्लास्ट। क्या है? नीडोब्लास्ट। तो जो नीडोब्लास्ट है कुछ इस तरह से ये होता है। जैसे ये देखो इस तरह से होता है नीडोब्लास्ट। तो अभी ये क्लोज है। कैसा है? क्लोज है। कैसा है? क्लोज है। तो जो अभी तो ये क्लोज है, तो यहाँ पे देखो ये है हमारा नीडोब्लास्ट। यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं ओपरकुलम। क्या बोलते हैं? ओपरकुलम। तो अभी ये क्या है? अभी ये क्लोज है। तो यहाँ पे देखो ये जो इसका ये लेयर है, इसके आउटर लेयर से कौन कनेक्ट करके रखता है? लस्सा। इसको सॉरी लस्सो, क्या बोलते हैं इसको? लॉसो। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और ये जो कैविटी है इसे बोलते हैं कैविटी फील्ड नीमोसिस्ट। क्या बोलते हैं? कैविटी फील्ड नीमोसिस्ट, यानी कंटेन हिप्नोटॉक्सिन। यहाँ पे क्या होता है? हिप्नोटॉक्सिन। तो देखो अभी ये क्या है? अभी यहाँ पे ये क्लोज है, इस तरह से ओपरकुलम क्लोज है। यहाँ पे कुछ मतलब सेल्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? कीमोसिस्ट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जिसको मतलब जो कि नीडोसिस्ट होता है। क्या होता है? इनमें ये जो सेल्स होते हैं नीडोसिस्ट होते हैं, वो कंटेन करते हैं हिप्नोटॉक्सिन, यानी वहाँ पे ऐसे टॉक्सिक होते हैं। अगर वो जैसे हमें मान लो चुप गया तो हम हिप्नोटाइज हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं हेलुसिनोजन, मतलब इस टाइप का। तो ये हो गया यहाँ पे ओपरकुलम, ये हो गया लोसो जो कि दोनों को कनेक्ट करता है, ये हो गया न्यूक्लियस, और ये हो गया कैविटी फील्ड नीमोसिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पे क्या देखो जैसे मान लो कोई भी यहाँ पे क्या आया, मतलब इनको सेंसेशन मिला कि मतलब किसी से कोई खतरे का या किसी भी मतलब जीव के अटैक का, तो क्या होंगे इनका ये जो सेल है वो क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा, यानी ये जो ओपरकुलम है वो ओपन हो जाएगा। ये देखो ओपन ओपरकुलम ओपन हो गया, और इस तरह से ये जो नीडोसिस्ट थे वो क्या हो जाएंगे?
बाहर आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, जो न्यूरोसिस्ट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। इनमें क्या होता है, हिप्नोटॉक्सिन होता है। और यहाँ पे देखो ये जो इस तरह से आपको बॉडी दिख रही है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड बॉडी। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड बॉडी। तो यहाँ पे देखो ये अभी बंद था, यहाँ पे ओपरकुलम बंद था, तो इसको बोलते हैं अनडिस्चार्ज। और जब ये ओपन हो जाता है किसी भी सेंसेशन के थ्रू, तो इसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज फॉर्म। क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज फॉर्म बोल देते हैं। और ये जो न्यूरोसिस्ट है, तो अब इसका काम क्या हुआ, एक तो इसका काम होता है डिफेंस, दूसरा होता है अटैक, तीसरा होता है एनकरेज। यही इसके तीन फंक्शन होते हैं, डिफेंस, अटैक एंड एनकरेज, यानी सहारा प्रदान करना, या फिर कोई अटैक किया उस पर अटैक करना, या डिफेंस करना। डाइजेशन की बात करें तो इनमें डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन होता है डिफ्यूजन के थ्रू। सर्कुलेशन होता है यहाँ पे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। एक्सक्रीशन की बात करें तो इनमें भी अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन होता है। नर्वस सिस्टम कैसा होता है, ए पोलर बट नो ब्रेन, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का कोई ब्रेन नहीं होता है। जो हाइड्रा होता है, यहाँ पे नर्व नेट या फिर गैंग्लिया जो है प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं। तो एनिमल किंगडम में ऐसा कोई खास मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, जो भी है सब डाटा है और सारा याद रखना है। तो इस वजह से मतलब बहुत सारे बच्चों को ये टफ भी लगता है चैप्टर, की मतलब क्योंकि यहाँ पे इतने सारे डाटा हैं और सभी को क्या करना है, लर्न करना है। तो अब देखो रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बर्डिंग या फिर रीजनरेशन के थ्रू। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, हमने देखा जो पोरीफेरा वहाँ पे इंडोजीनस बर्डिंग होती, लेकिन यहाँ पे एक्जोजीनस बर्डिंग होती, यानी बाहर के साइड में, वहाँ पे इंटरनल बर्डिंग, यहाँ पे एक्सटर्नल बर्डिंग। सेक्सुअलिटी की बात करें तो यूनिसेक्सुअल या फिर बाईसेक्सुअल ये हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात हो तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट भी यहाँ पे होता है। तो देखो अब इसमें हम कुछ समझा ही नहीं सकते हैं कि देखो एक्सटर्नल इंटरनल मैंने पहले भी बता दिया कि एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है। अब तो बस सभी फाइलम में देखते जाना है कि किसमें क्या है, बाकी लर्न तो आपको ये करना ही होगा। तो चैप्टर तो टफ भी कह सकते हैं, इजी भी कह सकते हैं, जो भी मन हो। अब यहाँ पे देखो बॉडी फॉर्म होते हैं, जो सीलेंट्रेट होते हैं इसके कुछ बॉडी फॉर्म होते हैं। एक होता है पॉलिप, एक होता है मेडूसा। जो पॉलिप होता है ये फिक्स होता है, यानी कैसा होता है, सिसाइल होता है। और जो मेडूसा होता है ये फ्री लिविंग होता है। कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है। पॉलिप में आता है हमारा हाइड्रा और एडेम्सिया, जिसको हम बोलते हैं सी एनिमोन। तो ये आते हैं पॉलिप में, यानी ये फिक्स रहते हैं एक जगह, ये जो है मूव नहीं कर सकते हैं। जो मेडूसा है वो कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है। तो ये जो है अम्ब्रेला शेप का होता है, इसे हम बोलते हैं ऑरेलिया। क्या बोलते हैं, ऑरेलिया। तो मेडूसा फॉर्म का एग्जाम्पल क्या है, ऑरेलिया। एक है हमारा मतलब हाइड्रा हो गया पॉलिप फॉर्म, और फ्री लिविंग यानी मेडूसा फॉर्म का हो गया ऑरेलिया। और देखो जो ओबेलिया होता है इसमें दोनों फॉर्म जो है प्रेजेंट होते हैं। ओबेलिया में पॉलिप फॉर्म भी होता है, मेडूसा फॉर्म भी होता है। तो जैसे यहाँ पे देखो ये है हमारा मेडूसा, जो कि कैसा होता है, डिप्लॉयड। मेडूसा कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। गैमिटोजिनेसिस होगी, यानी मेल गैमिट फीमेल गैमिट बनेंगे, जायगोट बनेगा। फिर यहाँ पे मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फिर पॉलिप बन गया, फिर यहाँ पे क्या हुई, बडिंग हुई, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो फिर यहाँ से मतलब नया कोई भी वो बन जाएगा। तो यहाँ इसको हम इस प्रोसेस को बोल देते हैं मेटाजेनेसिस, यानी अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। मेडूसा से पॉलिप, पॉलिप से मेडूसा, मेडूसा से पॉलिप, पॉलिप से मेडूसा। तो यहाँ पे देखो हम कह सकते हैं पॉलिप से मेडूसा, जैसे इसको ऐसे याद रखना, पाम 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 और एमएसपी, जैसे ऐसे एमएसपी और इधर साइड से पाम, तो पाम ऐसे याद करना, पाम एसपी। तो देखो जो पॉलिप है वो मेडूसा में कन्वर्ट होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, मेडूसा जो है पॉलिप में कन्वर्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। मेडूसा पॉलिप में कन्वर्ट हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, पॉलिप मेडूसा में कन्वर्ट हुआ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो इसको याद कैसे रखेंगे, पाम और इधर से एम एस पी, तो इस तरह से याद रखना, पाम एम एस पी। तो क्या हो गया, पॉलिप मेडूसा में कन्वर्ट होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, मेडूसा पॉलिप में कन्वर्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो अब देखो सीलेंट्रेटा के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे फाइसेलिया, पिनेटुला,
जो है इसका एग्जाम्पल होता है, मिंड्रिना होता है जिसको हम ब्रेन कोरल्स भी बोलते हैं, गोरगोनिया होता है जिसको सी फैन बोला जाता है, ए फॉर अडेम्सिया और ऑरेलिया होता है, ओ फॉर ओबेलिया होता है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो कि सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। तो देखो, एक तो ये तो आपको दिया ही है, इसके अलावा आपको इनके कॉमन नेम भी मिलेंगे। जैसे पिनेटुला को हम सी पेन बोलते हैं, मिंड्रिना को ब्रेन कोरल बोलते हैं, गोरगोनिया को सी फैन बोलते हैं, फाइसेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। तो इनका जो कॉमन नेम है ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन बना मतलब पूछ सकते हैं मिंड्रिना का कॉमन नेम क्या है, तो चार ऑप्शन दे देंगे, अगर आपको पता होगा तो कर लोगे, अदरवाइज कन्फ्यूज हो जाओगे। जैसे मान लो पिनेटुला का कॉमन नेम पूछ लिए तो वहाँ पे सी पेन, सी फैन, सी इस तरह से सी सी करके कुछ दे देंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये जो है आपको एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अब देखो बात करते हैं निडेरिया या फिर टीनोफोरा की। निडेरिया या फिर टीनोफोरा, जो निडेरिया होते हैं यहाँ पे क्या होता है, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। मतलब आप दोनों में इसको जो है कंपेयर करके पढ़ लेते हैं, निडेरिया और टीनोफोरा की। निडेरिया को ही क्या बोलते हैं, सीलेंट्रेटा बोलते हैं, तो सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया, और ये है टीनोफोरा। तो इन दोनों फाइलम को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो देखो निडेरिया क्या है, यहाँ पे नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट है लेकिन टीनोफोरा में नीडोब्लास्ट अब्सेंट होता है। देखो अगर आपको निडेरिया यानी सीलेंट्रेटा याद हो जाएगा तो इसी का जो है हम उसी से याद कर लेंगे टीनोफोरा को। टीनोफोरा बहुत छोटा सा है। तो देखो इनका हैबिटेट कैसा होता है, ये मरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, लेकिन जो टीनोफोरा होते हैं ये सारे कैसे होते हैं, मरीन होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये सोलिटरी, कॉलोनियल, सेसाइल, फ्री लिविंग सभी तरह के हो सकते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, टीनोफोरा कैसे होते हैं, कॉलोनियल एंड फ्री लिविंग, यानी कॉलोनियल एंड फ्री लिविंग होते हैं। जो निडेरिया है यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, टिश्यू लेवल, और जो टीनोफोरा है यहाँ पे टिश्यू लेवल, यानी दोनों जगह पे कैसा होता है, टिश्यू लेवल। सिमेट्री की बात करें तो दोनों जगह पे ही सेम सिमेट्री होती है। जर्म लेयर भी दोनों जगह पे डिप्लोब्लास्टिक होता है। डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, यहाँ भी एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर। रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। एक्सक्रीशन में अमोनिया, यानी दोनों ही अमोनोटेलिक होते हैं। तो नीचे सब कुछ सेम सा है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरसेलुलर डाइजेशन है उसके लिए स्पेशलिटी क्या है, गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम। तो ये हो गया इनका मतलब, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेम, सिमेट्री सेम, जर्म लेयर सेम, डाइजेशन भी सेम, रेस्पिरेशन सेम, एक्सक्रीशन सेम। तो ये सब क्या हो गया, सेम हो गया। बस ऊपर क्या है, थोड़ा हैबिटेट में हल्का सा डिफरेंस है, हैबिट में डिफरेंस है, तो इसको जो है आप याद रखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम भी दोनों में सेम, यानी नर्व नेट प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो रिप्रोडक्शन जो निडेरिया में होता है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, और जो फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल एंड इंटरनल, जो डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, यानी दोनों तरह का है। लेकिन जो टीनोफोरा है यहाँ पे वनली सेक्सुअल, वनली एक्सटर्नल डेवलपमेंट, सॉरी मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वनली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों तरह का है, एसेक्सुअल सेक्सुअल, एक्सटर्नल इंटरनल, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे आपको जो है लर्न करना होगा कि किस में क्या है। अब यहाँ पे देखो बॉडी फॉर्म पॉलिप एंड मेडुसा दोनों होते हैं, बट यहाँ पे केवल मेडुसा फॉर्म होता है, यानी कि फ्री लिविंग जो कि मूव करते रहते हैं। अब देखो हम यहाँ से बात करते हैं सेगमेंटेशन की। किसकी बात करते हैं, सेगमेंटेशन की। यहाँ देखो इसका एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। एक है हमारा प्लूरोब्रैंकिया, मैंने लिखा नहीं, अगर आप लिख रहे हो तो इसको लिख लेना, प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लेना, प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लेना। अभी जो है एनसीईआरटी में देख लेंगे उसको हम। चलो इसको थोड़ा और भी मतलब डिस्कस कर लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये भी जो है तीन चार लेक्चर में ख़त्म हो जाए हमारा।
तो देखो अब बात करते हैं सेगमेंटेशन की। किसकी बात करते हैं? सेगमेंटेशन की। तो सेगमेंटेशन में आप देखोगे दो तरह का सेगमेंटेशन होता है। एक होता है ट्रू सेगमेंटेशन, एक होता है फॉल्स सेगमेंटेशन। कैसा होता है? ट्रू सेगमेंटेशन एंड फॉल्स सेगमेंटेशन। फॉल्स सेगमेंटेशन को हम बोलते हैं स्यूडो सेगमेंटेशन। क्या बोल सकते हैं? स्यूडो सेगमेंटेशन। तो अब यहाँ पे देखो इसको आप समझो। देखो ट्रू सेगमेंटेशन जैसे कि ट्रेन होता है, क्या होता है? ट्रेन होता है। तो ट्रेन का जो डिब्बा होता है वो अलग अलग होता है। ट्रेन के डिब्बे क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। बट आप जो है उसके आगे वाले पार्ट से लेके पीछे वाले पार्ट तक अंदर ही अंदर मूव कर सकते हो। अंदर ही अंदर आप ट्रेन में मूव कर सकते हो, उसके एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में अंदर ही अंदर जा सकते हो। तो यहाँ पे जो ये सेगमेंटेशन है इसे हम बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। कैसा सेगमेंटेशन? ट्रू सेगमेंटेशन मतलब सभी कंपार्टमेंट आपस में जुड़े हैं, आप अंदर ही अंदर मतलब जो है यहाँ पे मूव कर सकते हो। तो ये है ट्रू सेगमेंटेशन। यानी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंड यहाँ पे कैसे होते हैं? वेल डिफाइंड होते हैं। वेल डिफाइंड होते हैं यानी आप इनका जो है आगे वाला पार्ट पीछे वाला पार्ट अच्छी तरह से जो है पहचान सकते हो। तो ये है हमारा ट्रू सेगमेंटेशन, जब आप आगे से लेकर पीछे तक अंदर अंदर मूव कर सकते हो। लेकिन अब मान लो आपको जैसे ये कोई रूम है, मतलब कोई घर है, यहाँ पे रूम बने हैं, तो आप इस रूम से डायरेक्ट उस रूम में नहीं जा सकते हो। छोड़ो ये एग्जांपल छोड़ो, नहीं तो आप बोलोगे मतलब यहाँ पे बहस हो जाएगा कि दरवाजे से जा सकते हैं ऐसे वैसे, तो ये सब छोड़ दो। मतलब आप अगर आपको ट्रेन का एग्जांपल समझ आ गया तो उसका उल्टा कर लो। यानी यहाँ पे हम आगे से पीछे तक अंदर अंदर मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ऐसा सेगमेंटेशन होगा कि हम जो है देखो यहाँ पे मतलब ये जो है एक ही कंपार्टमेंट, अब यहाँ पे ऐसे बैरियर होगा तो ये इसके पार नहीं जा सकता, फिर यहाँ पे बैरियर तो अब ये यहाँ नहीं जा सकता। मतलब यहाँ ये सेगमेंटेशन जैसा लगता तो है पर ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है। इस वजह से इसको हम बोल देते हैं फास्ट सेगमेंटेशन या फिर स्यूडो सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे इंटीरियर और पोस्टीरियर इंड आप जो है डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो प्लैटीहेलमिंथ्स, फाइलम प्लैटीहेलमिंथ्स की बात करते हैं। तो देखो प्लैटी प्लेट कैसा होता है? फ्लैट होता है। प्लेट कैसा होता है? फ्लैट होता है। हेलमिंथ्स मीन्स क्या होता है? वर्म यानी कीड़े। तो फ्लैट वर्म यानी डॉर्सो वेंट्री ये कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। अगर आप प्लेट को देखोगे चाहे नीचे से देखो या ऊपर से, वो कैसा होता है? चपटा होता, फ्लैट होता है। तो ठीक उसी तरह से प्लैटीहेलमिंथ्स भी कैसे होते हैं? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये या तो एक्वाटिक होंगे यानी या तो ये जो है पानी में रहेंगे, या फिर इंडो पैरासाइट होंगे यानी हमारे शरीर के भीतर रहेंगे। और हैबिट इनकी क्या हो सकती है? फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, इंडो पैरासाइट भी हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री जर्म लेयर तीनों ही यहाँ से जो है चेंज हो जाता है। इसके पहले अभी तक हमने जो भी फाइलम डिस्कस किए उनमें क्या था? पोरीफेरा में सेलुलर लेवल हो गया, फिर यहाँ पे सीलेंटेटा टीनोफोरा में क्या हो गया? टिश्यू लेवल। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है प्लैटीहेलमिंथ से। इसके पहले हमने जो सिमेट्री देखी मतलब वो तो हमने आपको बता ही दिया है, अभी जो है इकाइनोडर्म में यहाँ पे एक्सेप्शन भी आता है। तो यहाँ देखो जो जर्म लेयर है इसके पहले डिप्लोब्लास्टिक थे, लेकिन यहाँ से जो जर्म लेयर हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो गए। सीलोम की बात करें तो यहाँ पे ये एसीलोमेट होते हैं। तो याद रखना इसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्लैटीहेलमिंथ्स में ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम होता है, सिमेट्री बाइलेटरल होती है, जर्म लेयर थ्री जर्म लेयर होते हैं यानी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल अब्सेंट होता है। क्यों अब्सेंट होता है? क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे ब्लड को सक करेंगे, क्योंकि इंडो पैरासाइट हैं तो अब्सेंट होता है। किन में अब्सेंट होता है? जो इंडो पैरासाइट हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? साइप्रोजोइक, यानी ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब करेंगे ब्लड को या न्यूट्रिएंट को। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है लेकिन कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट को हमने क्या देखा था? मतलब इंटर करने के लिए या बाहर जाने के लिए एक ही पोर है, यानी माउथ और एनस दोनों एक ही है। तो माउथ और एनस एक ही है यानी यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल कैसी है? इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ये कैसे होते हैं? होलोजोइक। क्या होते हैं? होलोजोइक। फिर देखो रेस्पिरेशन की बात करें तो ये जो है अगर फ्री लिविंग है तो एरोबिक होगा, लेकिन अगर इंडो पैरासाइट है तो एनएरोबिक होगा। सर्कुलेशन के लिए यहाँ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे से सेल्स होते हैं यानी पैरेन्काइमल सेल होते हैं जिनके बीच में आपस में इस तरह से मूवमेंट होता रहता, सर्कुलेशन होता रहता है, जो कि हमने जो है जनरल पार्ट वाले में डिस्कस कर ही लिया। स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हुक होते हैं,
जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, सकर होते हैं जो कि अटैचमेंट और इंजेक्शन दोनों में ही हेल्प करते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो ये भी अमोनोटेलिक होते हैं और इनमें क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया, याद आया प्रोटोनेफ्रीडिया यानी फ्लेम सेल, जो कि हमने एक्सक्रीशन में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, क्योंकि ये जो देखो यहाँ पे जो सेल्स हैं ये मतलब एक फ्लेम की तरह दिखते हैं, मतलब एक ज्वाला की तरह ऐसे दिखते हैं, इस वजह से इसका नाम फ्लेम सेल कह देते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सिफेलाइजेशन, सिफेलाइजेशन यानी मतलब हेड का फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से, प्लेटीहेलमिन से, यहाँ पे मतलब थोड़ा सिर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, पर अभी कंप्लीट नहीं है, सिफेलाइजेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है। सिफेल मीन्स क्या होता है, हेड यानी खोपड़ी, तो यहाँ से जो है हेड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और यहाँ पे कैसे होते हैं, नर्व रिंग होते हैं इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं लैडर लाइक नर्व रिंग। अब देखो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल में रीजनरेशन के थ्रू, जैसे कि आप देखते हैं प्लेन एरिया, और सेक्सुअल में सेक्स यूनाइटेड यानी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो ये हो गया हमारा प्लेटीहेलमिंस के बारे में। तो आप देखोगे बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मतलब फाइलम के अंदर में हैं, तो मेनली क्या है यहाँ पे चीज़ें, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, मेन बात है याद करने का, मतलब यहाँ पे हर एक लाइन जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो एक दूसरे से जुड़ा हो, सब अपने आप में इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंटली किसी चीज़ को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको जो है आप थोड़ा थोड़ा करके जो है एक एक फाइलम को पढ़ेंगे और मतलब लिख लिख के रिवाइज करेंगे तो ये जो है आपको ईजिली याद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात होती है इनको कंपेयर करके पढ़ना, तो इसको डिस्कस कर लें या फिर नेक्स्ट लेक्चर में, चलो नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार जो है हम इसको पूरी तरह से ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद जो है एनसीईआरटी हम एक साथ में देख लेंगे उनकी। तो ठीक है, अपना फीडबैक देना मत भूलना इस वीडियो में, यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।